नमस्कार साथियों, ब्रेकिंग प्रश्न पहुंच चुका है नकुड़ में, जहां हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता शिव कुमार गुप्ता जी। स्वागत है शिव कुमार गुप्ता जी आपका। धन्यवाद सर। हम आपसे जानना चाहते हैं कि कैराना लोकसभा का जैसे चुनाव होने वाला है और अभी भी गोरखपुर और फूलपुर के चुनाव हुए हैं, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कैराना लोकसभा पे, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कैराना लोकसभा में माननीय बाबू जी 2014 में लगभग 3.5 लाख वोट से विजय हासिल की और अब ये विजय 3 लाख पार जाएगी। मोदी जी का विकास, सबका साथ सबका विकास, पारदर्शिता, 4 साल का जो जश्न हमने मनाया है, 4 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार का एक भी मिनिस्टर कोई भ्रष्टाचार, कोई शिष्टाचार से बाहर जाकर कोई मर्यादा तोड़ने का अब तक कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ। गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, यानी कि हर वर्ग के लिए मोदी जी ने 4 साल के अंदर विकास के अलावा कुछ नहीं, विकास विकास विकास, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे सभी खराब हो, इसलिए कैराना को निश्चित रूप से। जैसे विपक्ष में सभी दल सभी नेता इकट्ठे हो गए हैं, इससे क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा? देखिए, विपक्ष इकट्ठा हो ले, लेकिन जनता जो 125 करोड़ जनता भारत की है उन विपक्षों को देख रही है। कल तक कांग्रेस को बसपा गाली देती थी, बसपा को कांग्रेस गाली देती थी, सपा को बसपा गाली देती थी और बसपा सपा को गाली देती थी और लोकदल इन सबको गाली देती थी। तो मेरा कहने का मतलब है, चोर चोर इकट्ठे हो जाए तो इससे इसका मतलब नहीं कुछ फर्क पड़ने वाला है, वो केवल नेता रह गए हैं, जनता नहीं है। अभी आप देख लीजिए, हमने कर्नाटक में सबसे बड़ी दल के रूप में भर का सारे चोर वहां भी इकट्ठे थे, बिहार में सारे चोर इकट्ठे थे, इन चोरों से इकट्ठे हो। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इन्हें